हाय गाइस, मैं हूँ श्रेया गोस्वामी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मैरिनेट पनीर। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए पनीर का एक चंक और इसे हम काटेंगे इस तरह से। अब हम पनीर को एक और बार स्लाइस करेंगे इस तरह से। मैं इधर पनीर के चंक को चार टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें किसी भी तरह से काट सकते हैं, आप इसके स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, स्लाइसेस भी कर सकते हैं। पनीर के स्किन पे छोटे छोटे इंसिशंस बनाइए इस तरह से। इससे मसाले जो हैं इनके अंदर जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा गहरे इंसिशंस बनाएंगे तो पनीर टूट भी सकता है। इसको अब हम एक बोल में रख लेंगे इस तरफ। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, साथ में हम डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, प्याज का एक फ्लेवर डालने के लिए आप थोड़े से रफली चॉप्ड अनियंस डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने मैरिनेशन का पेस्ट बना लिया है। मैरिनेशन को इवनली पनीर के ऊपर आप डाल दीजिए इस तरह से और इसे फिर जेंटली हम पनीर के पीसेस पे कोट करेंगे। जेंटली इसे रब कीजिए। पनीर के टुकड़े जो हैं रूम टेम्परेचर पे काफ़ी नाजुक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप इन्हें गलती से तोड़ ना दें। और ये मैरिनेशन आप 2 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और ऑफ कोर्स आप इसे साथ ही साथ अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ये इमीडिएटली हाफ एन आवर का रेस्ट दे के आप इसे बना लीजिए। ये हमारा पनीर मैरिनेशन तैयार हो चुका है। मैरिनेटेड पनीर का आप टिक्का बना सकते हैं, इसे सिंपली फ्राई करके खा सकते हैं, इसे आप स्नैक्स में खाइए या फिर मेन कोर्स में खाइए, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। और इसी तरह के सिंपल और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।